हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एफआईआर के बारे में। एफआईआर क्या है, एफआईआर कब कराई जाती है, अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो हमें क्या करना चाहिए। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध किए जाने की पहली सूचना। क्या सभी मैटर में एफआईआर होती है, ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है, ये भी जानना ज़रूरी है। अपराध को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में। इसको मैं अगर आपको शॉर्ट में डिफाइन करूं तो कॉग्निजेबल वो मैटर है जो सीरियस होते हैं, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट हमें कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल वो मैटर होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट हमें नहीं कर सकती है। अगर कोई सीरियस मैटर है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस इसको अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट करती है। इसका प्रोविजन सेक्शन 154 सीआरपीसी में है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पहली सूचना की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। कौन सी पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस को। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एफआईआर वहीं करवानी चाहिए जहां अपराध हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपराध हुआ है और आपके पास जानकारी है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है या आप खुद पीड़ित हैं, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज आप करवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई है तो पुलिस का काम है एफआईआर को रजिस्टर में नोट करना। अगर वो अपराध उनके थाने क्षेत्र में नहीं आता है या किसी और पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है तो एफआईआर पुलिस तब भी नोट करेगी। ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। पुलिस उसको नोट करेगी और उस पुलिस स्टेशन को भेज देगी जिसके अंतर्गत ये आता है। कैसे पता लगेगा कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल? पुलिस के पास दो रजिस्टर है, एफआईआर रजिस्टर और एफआईआर एनसीआर रजिस्टर। एफआईआर रजिस्टर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कॉग्निजेबल ऑफेंस को दर्ज किया जाता है। एनसीआर रजिस्टर नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर है जिसमें ऐसे अपराधों को दर्ज किया जाता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। पुलिस का काम है उसको नोट डाउन करना और पुलिस व्यक्ति को सजेशन देगी कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाए और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस की जगह मैजिस्ट्रेट ही शिकायत दर्ज करता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि शिकायत दर्ज कराने हम मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं या नहीं। सो हाँ, आप जा सकते हैं, कोर्ट में जाएं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में शिकायत दर्ज करवाएं। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सेक्शन 2D CRPC 1973, जिसे परिवाद कंप्लेंट या शिकायत कहते हैं। सो, पुलिस का क्या काम है? अपराध होने के बाद उपयुक्त को पकड़ने में और पुलिस का काम है हमारी हेल्प करना। शिकायत कैसे की जाती है ये अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ओरल और रिटर्न दोनों तरीके से हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सो, सेक्शन 154 आपको अधिकार देता है कि आपकी शिकायत अगर मौखिक है, यानी कि बोलकर है, तो पुलिस वाला उसको लिखेंगे। ये इंचार्ज पुलिस स्टेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि पुलिस वाला उसको लिखेगा या लिखवाएगा, और जो बातें उसमें लिखी गई है वो बातें जो जो शिकायत करने आया है उसको वो पढ़कर भी सुनाएगा। सो, मैं आपको बता देती हूँ कि जो पुलिस जो है वो आप पे प्रेशर नहीं कर सकती है कि आप उसको लिख के ही दें। सेकेंड जो तरीका आपके पास है, आप खुद भी एफआईआर लिखकर दे सकते हैं। सेक्शन 154 ये कहता है कि एफआईआर की कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए और जो आपको कॉपी दी जाएगी उसमें आईपीसी की धारा लिखी होगी। इन इन धाराओं में आपकी शिकायत दर्ज की गई है। अगर ये सब नहीं है उसके अंदर तो आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है तो आपको क्या करना चाहिए, अब मैं इसके बारे में अब आपको बताऊंगी। आपके पास रेमेडी ये है कि सेक्शन 154 पैराग्राफ 2 ये कहता है कि आप सीधा एसपी यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप समरी लिखें, उसको शिकायत दर्ज आप भेज सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि मैं इस थाने में गया था, वहाँ ये पुलिस वाला मुझे मिला था, उसने मेरी शिकायत लिखने को मना किया और मेरी शिकायत ये थी और कानून ये कहता है कि इसके आगे का काम एसपी का है, वो आपकी एफआईआर दर्ज करवाएं, आपके मैटर की जाँच वो कराएंगे। सो, एफआईआर के अंदर हमें किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए मैं वो आपको बता रही हूँ। एफआईआर जब आप लिखवाएं तो उसकी कॉपी ज़रूर लें, ये आपका राइट है। एफआईआर की पहचान के लिए उस पर एफआईआर नंबर भी लिखा होता है। एफआईआर करवाने में कोई भी फीस नहीं लगती है। सो, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो, थैंक यू सो मच।